प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऋतु राज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पूजा गलती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं विजय निर्देश। आज हम लोग पहुंचे हैं विक्रम शहीद चौक पे और यहाँ पे थानाध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। थानाध्यक्ष पे आरोप है कि ये एक सांस में 1000 गाली देते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मन। आइए यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या प्रतिक्रिया होता है थानाध्यक्ष के खिलाफ। यहाँ पे पुलिस कर्मी काफी दबंग है, यहाँ पे लोग बता रहे हैं काफी दबंग नहीं करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या मंतव्य है और क्या ये बताते हैं। मेरा नाम राजकुमार हुआ। आप कहाँ के निवासी हैं सर? मुड़ियामा के निवासी हूँ। यहाँ पे जहाँ तक बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष साहब सबसे मतलब कि सब पे अपना दबंगई दिखाते हैं, बहुत गुंडागर्दी करते हैं, इस पे क्या कहना है? ये थाना अधिकारी पदाधिकारी नहीं है, सबसे बड़ा गुंडा है। कोई भी फरियादी एफआईआर करने जाता है इसको साथ वो गाड़ी ग्लोज भद्दी भद्दी गाड़ी ग्लोज कर देखिए। सबके साथ क्या हुआ? सबके घर में जाकर सस्पेंड किया जाए, विक्रम थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, इन पे ये जो बोलते हैं कि चार घंटा ये क्या करते थे कि थाना में बैठा करके और उनको जबरन टॉर्चर किया गया है, इस पे यहाँ पे क्या कहते हैं? यहाँ पे एक भाई है वो बता रहे हैं, क्या बताते हैं? चोर है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं गरीबों पर अत्याचार, गरीबों पर जुल्म, किसानों पर अत्याचार और विक्रम में जो दलालगिरी किया जा रहा है थाना में बैठा कर उसको हटाया जाए और ऋतु राज जो खुलियाम गुंडागर्दी करते आ रहे हैं खाली भाजपा के लिए। आपको क्या परेशानी है? क्या टॉर्चर किया गया है? सच में ये सब दरिंदा है, थाना ये सब पहले दरिंदा है। मर्डर करने वाला पुलिस फिर चूसने वाला रोड पे लगता है जाके पुलिस टेम्पो वाले से पीछे चला जाता है। यहाँ तो स्टैंड है नहीं, यहाँ तो स्टैंड है नहीं, मंथली पैसा दिया जाता है इनका, एक एजेंट भी होगा। गरीब टेम्पोला या अमीर टेम्पोला बिजली लिया जाता है, जितना भी टेम्पोला सब टेम्पोला से थाना पर एक नाम बिजली लिया जाता है। एजेंट नहीं है, खुलिया में रोड है, हर आदमी लगा जाता है, उसके बाद थाना प्रभारी नाम पैसा लिया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। अंदर चलिए, लाइए लोगों, आप देखिए आइए बाबा थोड़ा। मेरा भाई था, बहुत दहशत में था, इतना दहशत में था कि कुछ कहना नहीं चाहता था। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठक में हम थे और उसके बाद गांव के को दिनेश सिंह थे और राजकुमार थे, तीन आदमी थे। मेरा भाई भी ऊपर गया, भिन्न जाने के बाद वो ऊपर चार पांच बार क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गया, हमको हम बोले कि मैंने गलती हो गया, उसके बाद कह रहे हैं कि क्षमा मांग रहे हैं। आप 1000 गाली दिए, यानी कि गलतियां करने के बाद वो क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा मांग रहे हैं ऊपर कि हमसे गलती हो गया। यहाँ पे इनके जैसे हजारों लोग पहुंचे हुए हैं, अलग अलग विभागों से युक्त हैं और सभी का एक ही मामला है, ये गालीबाज थानाध्यक्ष सबके साथ एक ही काम करते हैं, वहाँ पे बैठा करके और मुदई के साथ मिल करके या फिर जहाँ तक कहा जाए भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम सीमा पे है, पैसा की मांग की जाती है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग जुड़ चुके हैं। सबका अपना अपना अलग अलग समस्या है, सब लोग यहाँ पे विधायक जी यहाँ समझिए कि विक्रम विधानसभा का एक दुर्भाग्य है कि ऐसे मामलों यहाँ पे सड़क खोलते हुए हैं और सबका एक ही मांग है कि इस थानाध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए।